हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं नेक्स्ट टर्म एंड 4, 5, 6 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे इसको। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स, इनको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, तो 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैसे करेंगे हम इसको। इसको नोटबुक में मैंने किया हुआ है 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 3 मीटर 5 सेंटीमीटर में कितने होंगे? तो 3 मीटर में तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 में, 100 सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 300 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ये और लिखे हुए हैं अलग से, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 305 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा? 305 सेंटीमीटर। ए नंबर मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये बी नंबर सी नंबर आपको कंप्लीट करना है इसी तरीके से, और डी मैंने आपको और इसको कंप्लीट कराया है डी नंबर। ये डी नंबर है 10 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है? 10 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने होंगे? 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे, प्लस 5 सेंटीमीटर और इसमें ऐड कर देंगे तो 1005 सेंटीमीटर। आंसर क्या आएगा? 1005 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स, अब इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इसको भी सेंटीमीटर में करना था लेकिन इसमें डिजिट अलग दी हुई है, वैल्यू अलग दी हुई है, 7 डेकामीटर एंड डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आपको इसे नोट करेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स, 7 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 7 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 में कितने होंगे? 7 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड जो ये जो 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसको हम इसी में नोट डाउन कर देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो गया टोटल? 75 सेंटीमीटर। आंसर क्या आया? 75 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद बी नंबर एंड सी नंबर आप लोग कंप्लीट करेंगे इसको भी, और इसका डी नंबर हमने कंप्लीट किया है 9 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्वेश्चन ये देखिए, 9 डेसीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे, तो 9 डेसीमीटर में 10 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, प्लस ये जो 6 सेंटीमीटर है उसको ऐड कर दिया तो कितना आंसर हो गया? 96 सेंटीमीटर। आंसर कितना आया आपका? 96 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 8.2 का। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसीमीटर, अब इनको आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन है 8 मीटर एंड 5 डेसीमीटर। यहाँ पर मैंने देखिए नोट डाउन किया है 8 मीटर एंड 5 डेसीमीटर। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो 8 मीटर में कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, 80 डेसीमीटर, प्लस ये 5 डेसीमीटर दिया हुआ उसको उसमें ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 85 डेसीमीटर। कितना हो गया? 85 डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर ये बी नंबर, अब आप इसी तरीके से आप करेंगे, और सी हम इसको बताते हैं, और डी नंबर भी आप लोग कंप्लीट करेंगे। सी नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6 मीटर एंड 8 डेसीमीटर। देखिए यहाँ नोट डाउन मैंने किया है 6 मीटर एंड 8 डेसीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, 6 मीटर में 10 मल्टीप्लाई 6 डेसीमीटर कितना हो गया? 60 डेसीमीटर। कितना हो गया? 60 डेसीमीटर, प्लस 8 डेसीमीटर इसमें ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया? 68 डेसीमीटर। क्या आंसर हो गया? 68 डेसीमीटर। क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? ये एक्सरसाइज अब आप लोगों को इसी तरीके से कंप्लीट करनी है, और जो प्रॉब्लम है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।